जी सर, सर आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, तो इस विषय में आपका कैसा विचार है और क्या एक्सपीरियंस रहा है आज आपका? देखिए, अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज का जो ये प्रयास है, वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय है। हिंदी दिवस मनाना एक अभिनव अभियान है। हिंदी को सजाने और संवारने की प्रतिबद्धता का ये नवीनीकरण है जो हर वर्ष होता है। तो अगर ये कार्यक्रम इस तरह के होते हैं, छात्रों में एक अपनी भाषा के प्रति सम्मान आता है, वो अपनी परंपराओं से और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और संवाद शैली जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो आभारी हूँ कि इस विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम था, मैं बहुत ही अभिभूत था ये जानकर कि वो बच्चियों को, मैं सोच रहा था कि कहीं ये कार्यक्रम इनके स्तर से बहुत ऊंचा तो नहीं जाएगा या बहुत नीचा तो नहीं जाएगा, पर वो जिस तरह से वो लोग हम लोगों के साथ जुड़ रही थी बच्चियां और टीचर्स, उससे लग रहा था कि आज की जो कार्यक्रम चल है वो निश्चित रूप से अपनी गरिमा को प्राप्त करते हुए पूरी तरह सफलता को प्राप्त हुआ है। सर, आज आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदी दिवस पे? हाँ, हिंदी दिवस पर बस युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी अच्छी भाषा का, अपनी भाषा का हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरी भाषाएं हमारी भाषा पर हावी ना हो जाएं। हिंदुस्तान विश्व के अंदर 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन केवल 14 ही देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। शेष देशों में उनकी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के विश्व का सबसे छोटा देश डेनमार्क है, वो भी डेनिश बोलता है। जापान में जापानीज बोली जाती है, स्वीडन में स्वीडिश बोली जाती है। फिर क्यों नहीं हमारे लोग, हमारे नौजवान अपनी भाषा को सम्मान दें, और विश्व में जैसे हमारे प्रधानमंत्री भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो हमारी भाषा का भी वही स्थान होना चाहिए। उसका बस एक ही तरीका है कि हम लोग अपनी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करें, उसमें संवाद करें। जी सर, सर एक लास्ट क्वेश्चन, आज का जो आपका विषय रहा है, उस विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? चूंकि आज हमें बच्चियों के बीच में, गर्ल्स के बीच में बोलना था जी। तो विषय का चुनाव ये था कि जो उनके भविष्य को अफेक्ट कर सके। जैसे कि मैंने वहां पर सुनाया था कि सीता और राम का जो प्रेम था वो दूर होते हुए भी वाल्मीकि आश्रम में कितना अटूट था। दूसरा विषय मैंने लिया था कि जब एक नारी के समक्ष, एक पत्नी के समक्ष जब किसी दूसरी महिला की ओर उसका पुरुष, उसका पति आकर्षित होता है, कि उसकी वेदना क्या होती है। ये एक सुंदरकांड का प्रसंग था जो लोग बिल्कुल को पढ़ के निकल जाते हैं, उसको समझते भी नहीं है। तो ये दोनों ही विषय कन्याओं से और बच्चियों से संबंधित थे, महिलाओं से संबंधित थे, इसलिए मुझे लगा कि बच्चों ने बहुत ही उसमें एंजॉय किया और हमारी टीचर्स ने तो बहुत ही प्रशंसा की है उस विषय। तो सर क्या कुछ हल्का फुल्का माहौल भी रखा था या फिर? हाँ, ये बहुत मंच, क्योंकि हम लोग जो विषय उठाते हैं वो साहित्य गोष्ठी के हिसाब से हमने वो विषय उठाया था जी। लेकिन जब मैंने वो बच्चों को देखा और जनता का जो इतना हॉल भरा हुआ देखा, तो मुझे लगा कि कुछ चीजें मंच के हिसाब से भी होनी चाहिए साहित्य गोष्ठी के अलावा। तो मंच के लिए जरूरी होता है थोड़ा बच्चों का हास्य हो, मनोरंजन हो और वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। उन्हें सामने खड़ा हुए व्यक्ति में कोई बहुत बड़ा साहित्यकार ना दिखे, बल्कि उन्हें ऐसा लगे कि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति है। तो हमने उसमें कुछ हास्य क्षणिकाएं सुनाकर बच्चों की खूब तालियां बटोरी और सचमुच मुझे बहुत आनंद आया। बहुत बहुत आभार सर, आपने बड़ी ही खूबसूरती से पूरे विषय को भी बांधा और इतने अच्छे तरीके से आपने पूरे। जी मैम, आज आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो कार्यक्रम हुआ था, तो इसमें किस तरीके के कवि और क्या क्या रही है भूमिका इसकी, क्या रही है प्रोग्राम की? नमस्कार, मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोरमा कौशिक आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से यह बताना चाहूंगी कि आज हमारे महाविद्यालय में श्रीमान रवि पांडे जी, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार, कवि और हमारे प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने आज हमारे महाविद्यालय में जिस विषय पर आज कविताएं सुनाई, उससे आज हमारा हिंदी दिवस पूरी तरह से सफल हुआ है, साकार हुआ है। और छात्राओं ने बड़ी गंभीरता के साथ में जो गंभीर विषय सर ने सुनाए उस पर बहुत अच्छे से उसको सुना, और साथ ही जब सर ने कुछ हास्य क्षणिकाएं सुनाई तो उसपे भी छात्राओं ने पूरी तरीके से अपने मन से उसपे पूरा साथ दिया, और जहां पर तालियां बजानी चाहिए थी वो खूब खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में सर को उन्होंने पूरा सम्मान दिया है। और हमने भी बहुत सम्मान उसमें अनुभव किया कि सर हमारे महाविद्यालय में आए और उन्होंने इस तरह से छात्राओं का पूरा से मनोरंजन किया, बहुत बढ़िया कविता सुनाकर। जी मैम, क्या ऐसे प्रोग्राम महाविद्यालय में होते रहने चाहिए जिससे बच्चियों के विकास में कुछ फर्क आएगा? आज का जो हिंदी दिवस का कार्यक्रम था ये बच्चियों के लिए ही इसका आयोजन किया गया था,
और बच्चों ने इसको जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुना और समझा। कुछ विषय जो हैं जो कि रखे गए थे वो बच्चों के लिए ही रखे गए थे, तो बच्चों ने उसको एंजॉय भी किया और उसको आत्मसात भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। हर शहर में जलवा होता, इनके सिलेबस की क्यों सौंदर्य ही सौंदर्य का हर शहर होता, पूड़िया पनीर पराठे कहीं हलवा होता, नाक छुनती ना जख्मी कोई तलवार होता, और बम बरसते न फिजाओं से न बलबा होता, और सारी दुनिया में हुकूमत जो जनानी होती तो विश्व में जंग भी होती तो जवानी होती। ये सुनाना है। अब इसके बाद आने वाले 30-35 मिनट आपको इतना हंसने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग
अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं, अब हमारा पाठ्यक्रम चलेगा।